गुजरात चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनावी रेस में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, लेकिन इसमें अब एक और पार्टी भी शामिल हो गई और वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIL। जी हाँ, पहली बार ओवैसी भी गुजरात चुनाव लड़ेंगे, जिसे लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। यही कारण है कि इसका सर्वे भी किया जा रहा है कि आखिर ओवैसी को गुजरात में पब्लिक कैसे देखती है, गुजरात में कितना कमाल दिखा सकते हैं ओवैसी। चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या बोलती है पब्लिक। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जितनी भी पार्टियां हैं उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी कमाल दिखाना है वो अभी ही दिखाना है। वहीं इसके अलावा बहुत से सर्वे भी किए जा रहे हैं, ऐसे में गुजरात में ओवैसी को कितना बड़ा फैक्टर जनता मानती है इसको लेकर भी सर्वे किया गया। ये सर्वे ABP न्यूज ने किया है। अब सर्वे में सी वोटर का क्या कुछ सामने आया, चलिए आपको बताते हैं। क्या बोलती है पब्लिक? बहुत बड़ा, 44%। सर्वे के मुताबिक 44% लोगों ने कहा कि वो गुजरात में ओवैसी को बड़ा फैक्टर मानते हैं, यानी इनके मुताबिक ओवैसी गुजरात में कमाल दिखा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। कम बड़ा 25%। वही सर्वे के मुताबिक 25% लोगों ने कहा कि वे गुजरात में ओवैसी को कम बड़ा फैक्टर मानते हैं, यानी ओवैसी के रहने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फैक्टर नहीं 31%। इसके अलावा 31% लोगों का कहना है कि वो गुजरात में ओवैसी को कोई फैक्टर नहीं मानते, यानी इनके मुताबिक ओवैसी के गुजरात में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई पब्लिक की, अब आपको ये भी समझाते हैं कि ओवैसी किसकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं गुजरात में। अब देखिए, ओवैसी खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं और उन्होंने ये वादा भी किया है कि अगर उनके उम्मीदवार जीते तो बूचड़ खानों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो गुजरात में 10% मुस्लिम आबादी है और 53 सीटों पर मुस्लिमों का अच्छा खासा प्रभाव है, और मुस्लिम की बड़ी आबादी अब तक कांग्रेस को वोट दे रही थी, लेकिन फिर अब मुस्लिम वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है और ऐसे में ओवैसी भी अब मैदान में कूद पड़े हैं और मुसलमानों के वोट पर दावा कर रहे हैं। तो ओवैसी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बने बनाए प्लान को बिगाड़ सकते हैं और इनका वोट भी काट सकते हैं, जिससे बीजेपी को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि जब तीनों आपस में ही भिड़ जाएंगे, एक दूसरे का वोट काटेंगे तो बीजेपी बाजी मार लेगी। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि ओवैसी मुसलमानों को लुभाने के लिए पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। इस पे तो यही कहूंगा कि हाय नरेंद्र मोदी जी, आपकी मोहब्बत उन बैकवर्ड मुसलमानों से। क्या कहा था उन्होंने हैदराबाद में, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी यहाँ पर, मुसलमानों में जो पिछड़ा मुसलमान है, क्या मोहब्बत है मोदी जी पिछड़ा मुसलमान से आपकी। आपकी असली मोहब्बत तो एफिडेविट में निकल कर आ गई। आपने पिछड़ा मुसलमान को कह दिया कि वो, क्या कहा आपने मैडम, वो नहीं पसमानदा, नहीं पसमानदा मुसलमान के बाद फॉरन ओरिजिन के मोदी जी पसमानदा मुसलमान। क्या मोहब्बत है मोदी जी आपकी पसमानदा मुसलमान से। हाय हाय, पसमानदा मुसलमान देख रहे होंगे उसको कि पसमानदा मुसलमान है तो फॉरेन ओरिजिन का है, फिर राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ। फिर आप बताइए, भाजपा को बताना पड़ेगा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, क्या वो रिलीजन के ऊपर बेस नहीं है? आप किस बुनियाद पर मुसलमान को, क्रिश्चियन को एक्सक्लूड कर रहे हैं? वो तो राइट टू इक्वालिटी का खुला वायलेशन है। क्या देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भूल गई कि महात्मा गांधी ने इसी मसले पर क्या लिखा था अपनी उस वक्त की मैगजीन में, हरिजन मैगजीन में? आपकी मोहब्बत पिछड़े मुसलमान से, वाह क्या मोहब्बत है भाजपा की और मोदी की पिछड़ा मुसलमान से, कि उनका ओरिजिन इंडिया का नहीं है, मगर आपको उनकी बड़ी फिक्र है। आप उनके लिए कॉन्क्लेव करेंगे, आपकी मोहब्बत। हमने तो पार्लियामेंट में मैंने कई स्पीचेस दी हैं जिसमें मैंने कहा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म करना चाहिए।